धमदा थाना पुलिस ने घर के आंगन में गांजे का पेड़ उगाकर नशे का कारोबार करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमदा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने अपने घर के आंगन में गांजे का पेड़ उगाया है। सूचना पर पुलिस वार्ड दो मुसलमान पारा निवासी मैसूफ उर्फ राजा खान के घर दबिश दी। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आरोपी द्वारा पिछले 4 वर्ष से अपने घर के आंगन में 2 गांजे के पेड़ को अवैध कमाई के उद्देश्य से उगाया गया था। पुलिस ने करीब 10 किलो वजनी 2 हरे पेड़ों को जब्त किया। इसकी कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जाती है। धमदा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। धमदा टाउन के वार्ड क्रमांक 2 निवासी फैजुल खान उर्फ राजा को की मुखबिर सूचना पर घर में रेड कार्यवाही किया गया, जहां आरोपी के आंगन पर लगे 2 नग गांजे का पौधे जब्त कर वजन किया गया, जिसका वजन 10 किलो 680 ग्राम जिसकी अनुमानित कीमत 20,000 है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया, बेचना जारी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।